अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं आपका टीचर हसन। आज मैं आपको इलस्ट्रेटर पर क्लिपिंग मार्क्स कैसे कैसे सिखाते हैं, कैसे बनाते हैं क्लिपिंग मार्क्स, आप कैसे कर सकते हो इलस्ट्रेटर पर, वो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। मैं इतने दिनों से नहीं था क्योंकि मेरा लैपटॉप भी ख़राब था और मेरे पेपर्स वगैरह भी थे, तो इसलिए मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था और कुछ इश्यूज़ वगैरह थे, तो मैंने आपसे स्टार्ट किया। पहले की तरह आप मुझे सपोर्ट करें और वीडियोस वगैरह देखें ताकि आपको भी नॉलेज हो। इलस्ट्रेटर वगैरह फ़ोटोशॉप में इसलिए यहाँ पे फ्री सिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत महंगे महंगे कोर्सेस होते हैं इसके। मैं चाह रहा हूँ कि बच्चे फ्री में सीखें लेकिन कुछ अच्छा सीखें। आप यहाँ पे सीखते हैं, आपको कुछ अगर समझ नहीं आता तो आप मुझे यूट्यूब पर, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि सर ये कैसे होगा ये कैसे होगा। मैं आपको गाइड करूँगा हर तरीके से कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। फिलहाल तो सबसे पहले आप कोई सी भी पिक्चर उठा लेंगे, गूगल से उठा सकते हैं, फ्री पिक से उठा सकते हैं, जहाँ से आपसे हो सके आप पिक्सल से वहाँ से उठा सकते हैं। कोई सी भी आपने पिक्चर उठाई, पिक्चर उठा ली फिर आप ना अपने तरह से के जो भी आपको सही लगे आप ऐसे बॉक्सेस बना लें लाइन बाय लाइन। सही है, बॉक्सेस बनाने के बाद आप इसको आप माउस का राइट क्लिक करेंगे, फिर वहाँ पर लिखा हुआ आएगा मास्क मेक क्लिपिंग मास्क, आप उस पर क्लिक कर देंगे तो मास्क हो जाएगा। और उसके अलावा मैंने शॉर्टकट की बताई हुई है, कंट्रोल 7 करेंगे तो डायरेक्ट शॉर्टकट की से भी हो जाएगा। तो मैं जल्दी करने के लिए शॉर्टकट की यूज़ कर रहा हूँ ताकि लेट ना हो, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो हम लोग इसको शॉर्टकट की से भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे आप वहाँ से भी कर सकते हैं। और ऊपर भी दिया हुआ होता है ऑब्जेक्ट वगैरह में जाकर क्लिपिंग मार्क्स का, आप उससे भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बताता चलूँ, अभी हम लोग इसको आगे जो ना, जैसे ये हमने साइज इनका छोटा किया है तो आप डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं ताकि आपकी कोई इमेज ख़राब ना हो। इसके अलावा पहले भी कर सकते हैं कि आपने पहले सारे ब्लॉक्स वगैरह बनाए, मतलब सारे आपने स्क्वायर वगैरह शेप जो भी शेप दिया आपने वो शेप दे दिया, आपने उसको अलाइन कर लिया, छोटा बड़ा कर लिया कि ना आपको जैसे कोई भी बनाना है। आपको मिसाल ले लो, आप ट्रेडिंग की लाइन बनाना चाह रहे हो, आप ट्रेडिंग लाइन बना रहे हो तो आप पहले भी कर सकते हो, आप उसके बाद भी कर सकते हो ताकि गलती वगैरह की कोई गुंजाइश ना रहे, कोई ख़राबी ना हो। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ दोनों तरीके से आप कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने बाद में करके बता दिया क्योंकि ना ये सिखाते नहीं हैं, आप जब कोर्स करने जाओगे तब आपको ये सिखाएंगे, वरना आपको यूट्यूब वगैरह पे आपको सिंपल तरीका बताएंगे। मैंने इसलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट बता रहा हूँ ताकि बच्चे ना नया से नया सीखें। आप इसके अंदर आप ऐसे डबल क्लिक करेंगे तो आप पिक्चर को, इमेज जो है अंदर, आप उसको भी इधर से उधर मूव कर सकते हैं डबल क्लिक करने के बाद, क्योंकि एक ही सिंगल ऑब्जेक्ट पर नज़र आएगा, बाकी थोड़े सारे थोड़े ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। मैं इसलिए भी बताना चाह रहा हूँ कि बच्चे से गलतियाँ वगैरह हो जाती हैं, फिर वो बोलते हैं भाई यार ये कैसे होगा, फिर वो वीडियोस वगैरह देखते हैं यार सही नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं आ रहा। तो आगे का जितना अच्छा अच्छा तरीका बच्चे को बताओ उतना ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अब हम यहाँ से एक पिक्चर उठाएंगे, आप पिक्चर वहाँ से उठा सकते हैं, क्या नाम है, फ्री पिक्स पे जाएंगे आप, वहाँ से शर्ट की आपने पिक्चर उठा ली वहाँ पे। फ्री पिक पे मैं इसलिए आपको रेकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि फ्री पिक पे आप डायरेक्ट जाएंगे, आप वहाँ से कुछ भी डाउनलोड करते हैं तो वो आपका इलस्ट्रेटर पे फौरन ओपन हो जाएगा।